सोहागपुर में स्टेट हाईवे 22 पर मृतक का शव रखकर परिजनों ने चक्का जाम कर दिया। हाईवे पर परिजनों के साथ साथ महिलाएं बच्चे सहित पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल भी मौजूद रहे और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपकी बात मान ली, पूरे गांव में आपको रात में 9 बजे एक ट्रक ने उसके ऊपर एक ट्रक आया और उसके ऊपर चढ़ गया। वो घायल था राजू अग्रवाल, उसके दोनों भाई, तीनों ने मिलकर उसको अस्पताल ले जाने की बजाय गुरमखेड़ी गांव में लाए और उसके दूसरे कोई परिजन के घर, उसके पिता के घर नहीं, किसी दूसरे के घर उसको छोड़ गए। रात में 1:30 बजे जब उनके पिता ने, नाना ने स्थानीय जनप्रतिनिधि रणवीर भाई को और संतोष मांझी जी को फोन लगाया, तब जाकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दबाव में FIR दर्ज हुई। हमारा कहना ये है कि समय रहते अगर आकाश को इलाज मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। उसको घायल अवस्था में उसको ले जाके गांव में छोड़ने का जुर्म राजू अग्रवाल और उनके दोनों भाइयों ने किया है। फरियादी पक्ष का ये कहना रहा है कि उस पहले चौकी पर गए थे जहां से उनको थाना जाने के लिए बोला गया था, बाद में वो थाने पर आए थे, थाने पर उनके रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया, ट्रक ड्राइवर के खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया, पंचनामा कार्रवाई की गई है। चूंकि ये बात सामने आई कि वो चौकी गए थे और वहाँ से थाना भेज दिया गया था, इस कारण से चौकी कुमारी को हमसे आदेश मिला।